जय भीम साथियों, आज का टॉपिक है एनिहिलेशन कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का समाजवाद बनाम सामाजिक न्याय। इस समाजवाद बनाम सामाजिक न्याय में समाजवादियों की विचारधारा क्या थी, उनके काम करने का ढंग क्या था, वो क्या चाहते थे, किस तरह का समाज बनाना चाहते थे, ये सारी बातें आज हम इस टॉपिक पर करेंगे। समाजवादियों का जो विचारधारा थी वो यूरोपीय थी, जो भारतीयों से मैच नहीं करती थी। वो व्यक्ति को एक आर्थिक प्राणी मानते थे, किसी भी सुधार को करने से पहले आर्थिक सुधार बताते हैं, इसके बाद ये कहते हैं कि जो सत्ता का साधन है, स्रोत है, यह शक्ति का स्रोत है, वह संपत्ति है। साथ में ये भी कहते हैं कि जो राजनीतिक सुधार और आर्थिक सुधार है वह एक भ्रम है। और एक चीज़ जो बताते हैं मुख्य रूप से, वो ये कहते हैं कि जो सर्वारा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसे संघर्ष करके या क्रांति करके सत्ता पर कब्जा कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद एक और अच्छी बात बताते हैं कि मुक्त समाज की स्थापना तब तक नहीं की जा सकती जब तक एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन या दूसरे वर्ग पर बदसलूकी करना बंद नहीं कर देता, और किसी भी सुधार को करने से पहले आर्थिक सुधार करना बहुत जरूरी है। ये मुख्य चीज़ें हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में वो जो राजनीतिक सुधार या आर्थिक सुधार, सामाजिक सुधार है भारत के, उनको इग्नोर करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते। और एक चीज़ ये बताते हैं, मतलब कि यहाँ की जो अन्य समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, धार्मिक समस्याएं, उन सारी समस्याओं को दरकिनार करते हैं। इन्हीं आइडियोलॉजी जो इनकी है समाजवादियों की 1936 की या उसके पहले की, उसी पर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का इनका स्टेटमेंट है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार इन पर कि समाजवादी किस तरह का समाज चाहते थे, वो कहाँ पर गलती कर रहे थे, उन्हें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, या आज के समाज के हिसाब से क्या डिमांड थी, यही बाबा साहब बताते हैं। देखिए, और यहाँ पर कहते हैं कि व्यक्ति को यहाँ पर व्यक्ति को जो आर्थिक प्राणी बताते हैं, और जो ये कहते हैं कि व्यक्ति की अभिलाषाएं, महत्वाकांक्षाएं वो संपत्ति और धन से जुड़ी हुई है, इसलिए किसी भी सुधार को करने से पहले आर्थिक सुधार करना चाहिए। और एक बात ये बताते हैं कि जो राजनीतिक सुधार या सामाजिक सुधार है, ये सब भ्रम है, इनकी कोई खास जरूरत नहीं है। क्रांति के लिए सर्वहारा वर्ग को बताते हैं कि भाई सर्वहारा वर्ग को क्रांति करके सत्ता पर कब्जा कर लेना चाहिए। इन्हीं सारी बातों का आप जवाब बाबा साहब अम्बेडकर देते हैं। जैसे कि पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि बनर्जी जी इलाहाबाद के अधिवेशन में जिस तरह के स्पीच देते हैं, उसी स्पीच का जवाब देते हुए बाबा साहब अम्बेडकर भारत के समाज का जो आईना है, जो समाज की दशा है, उन दशा से, उन व्यवस्थाओं से, उन समस्याओं से पूरे समाज को अवगत कराते हैं, और फिर पूछते हैं क्या ऐसे समाज में आप पावर में आने लायक हैं, क्या आपको सत्ता कर लें, सत्ता पर आना चाहिए, राज करना चाहिए, पहले इन समस्याओं पर को सुधारना चाहिए। ये सारी चीज़ें बाबा साहब बताते हैं। वही चीज़ से यहाँ पर भी है कि क्या उन ये आर्थिक सुधार हो सकता है, या पहले कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को ठीक करना चाहिए, तब जाकर ये कहीं आर्थिक सुधार भी हो सकता है। वही सारी बातें बाबा साहब बताते हैं। वो कहते हैं ये सारी बातें सुनकर किसी को अच्छा लग सकता है, संतुष्ट भी हो सकता है, खुश भी हो सकता है, लेकिन क्या ये वाकई में संभव, ऐसा हो सकता है कि बिना राजनीतिक सुधार किए, बिना सामाजिक सुधार किए आर्थिक सुधार किया जा सकता है? कहाँ तक यह संभव है, कहाँ तक असंभव है, यही बताते हैं। और वो कहते हैं कि भाई ठीक है, मान लेते हैं कि आप क्रांति के लिए सर्वहारा वर्ग को आग्रह करते ही क्रांति कर देना चाहिए, क्रांति होनी चाहिए, और बिना क्रांति के सत्ता तक पहुंचना तो मुश्किल है। अब क्रांति के लिए तो पूरा जो सर्वहारा वर्ग है उसे एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। अब भारत में जो समस्याएं हैं वो सिर्फ गरीबी और अमीरी तो है नहीं कि सिर्फ गरीबी ही एक समस्या हो और बाकी कोई दूसरी समस्या ना हो। क्या सभी गरीब एक मंच पे आकर के किसी मोर्चे के लिए तैयार हो सकते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं मेरे ख्याल से तो नहीं,
क्यों कि यहाँ पर जाति की भी समस्या है, धार्मिक समस्या, बहुत सारी समस्या है, वो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये बताते हैं कि यहाँ पर जो शक्ति का स्रोत आप बताते हैं संपत्ति, ये कोई भी समाजशास्त्री या समाजशास्त्र ज्ञाता ये कैसे मान लेगा कि मात्र स्रोत शक्ति का एक ही है जो कि संपत्ति है? ऐसा नहीं है, शक्ति के साधन और भी हैं, जैसे सामाजिक स्तर हो गया और धर्म, ये दो चीजें और हैं जो शक्ति का साधन है या सत्ता तक पहुंचने का स्रोत है, धर्म और सामाजिक स्तर। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं बाबा साहब, यहाँ पर बताते हैं कि जो सामाजिक स्तर है भारत में, आप फकीरों को, बाबाओं को आप देखते होंगे कि बड़े बड़े अमीर लोग भी उनके यहाँ जाते हैं, उन्हें बड़ा उनका सम्मान करते हैं और वो समाज को बड़े बड़े अच्छे ढंग से, क्या कहें, ये बहुत सारी भीड़ को वो कंट्रोल भी करते हैं। जो साधु महात्मा लोग रहते हैं, फकीर लोग रहते हैं, लाखों संख्या में तो लोग मक्का मदीना जाते हैं, हमारे यहाँ बनारस भी जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल है जहाँ पर जो महात्मा रहते हैं वो हैंडल करते हैं बड़े समाज के बड़े हिस्से को, वो लोग उनको मानते हैं। अब दूसरी चीज़ ये कि है कि जो ये सामाजिक स्तर जिन लोगों का बड़ा हो जाता है वो धन के कारण नहीं होता है, वो किसी दूसरे कारण से होता है। जैसे यहाँ पर धन है वो धन के कारण भी नहीं, इसी तरह ये सामाजिक स्तर जब इनका बड़ा हो जाता है तो ये इतने पावरफुल हो जाते हैं, किसी भी मजिस्ट्रेट से, किसी बड़े अधिकारी से ये लोग ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनको किसी भी भीड़ को हैंडल करने के लिए बड़े तंत्र की आवश्यकता होगी, बड़े कानून व्यवस्था की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये बिना कुछ किए ही कंट्रोल कर लेते हैं। और यहाँ तक कि चाहे कोई हड़ताल हो या चुनाव हो या कोई आंदोलन, उसको भी ये किसी भी दिशा में मोड़ने की क्षमता रखते हैं, ये सामाजिक स्तर के कारण है। दूसरा धर्म भी सत्ता का एक साधन है। इसका उदाहरण बाबा साहब अम्बेडकर रोम से देते हैं कि रोम में प्लेबियन नाम के जो लोग थे आदिवासी, लोकतंत्र की स्थापना के बाद भी उनके साथ शोषण होता रहा, उन्होंने संघर्ष किया, उसके लिए लड़ाई लड़ी और उनको ये लगा कि यदि पार्लियामेंट की जो कार्यकारिणी सभा है उस कार्यकारिणी में भी हमारा व्यक्ति भी हो तो जरूर हमारी बात रखेगा, जब हमारी बात रखेगा तो हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, शोषण रुक जाएगा। आखिर उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, वो कामयाब हुए। जब कामयाब हो गए तो उनके व्यक्ति को पार्लियामेंट में कार्यकारिणी, मुख्य कार्यकारिणी में रख लिया गया। रखने के बाद क्या हुआ कि जो वहाँ पर वीटो करने का राइट था, कि जब भी जो फॉरवर्ड क्लास के लोग थे वो जब कोई रूल लाते थे तो उसको ये लोग क्या करते थे, वीटो कर देते थे, वो व्यक्ति वीटो कर देता था। वीटो करता था तो हुआ क्या कि उसे भी अस्वीकार करने लगे, अस्वीकार करके उसे भी कहने लगे कि नहीं भाई, आपका जो रूल आपने जो एवॉइड किया है वो रूल मान्य नहीं है, जिसका आपने विरोध किया है वो विरोध स्वीकार नहीं है, और उनके साथ फिर उसी तरीके अत्याचार होता रहता था। अंततः हुआ क्या कि जिस बात को पता किया कि भाई ये सब वो क्यों रहा है इनके साथ, तो देखा गया कि वहाँ की देवी थी जिसका नाम था डेल्फी। अब डेल्फी ने क्या कि डेल्फी जो देवी थी उस मंदिर का पुजारी जो होता था वो फॉरवर्ड क्लास का होता था, और जो वहाँ का आदिवासी प्लेबियन था उस वर्ग का नहीं होता था वो, और प्लेबियन लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि जो देवी कहेगी उसका न्याय हमें स्वीकार है। अब सोचने वाली बात यह है कि प्लेबियन लोगों ने एक चीज़ तो जीत ली कि पार्लियामेंट में उनका साथी पहुंच जाएगा, उनके समाज के व्यक्ति पहुंच जाएगा, बात रखेगा, लेकिन दूसरी जगह उन्होंने हार को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने लोकतांत्रिक सत्ता की जगह धर्म की सत्ता को स्वीकार कर लिया। अब धर्म की सत्ता को स्वीकार कर लिया, अब वो पुजारी जो था वो अंदर जाता था मंदिर के, बाहर निकल गया था, नहीं भाई आपकी बात देवी जी को स्वीकार नहीं भाई, अब वो क्या करता था, जो बात वो रखता था फिर वो पीछे हट जाता था। इस तरह से आजीवन उनका जो शोषण होता रहा, और यही उनकी भूल थी आज की, वो धर्म में
जो लोकतंत्र में थे उसमें धर्म की सत्ता को वो मान लिए, स्वीकार कर लिया, और जो लोकतांत्रिक सत्ता थी उसे अस्वीकार कर दिया, उसके ऊपर धर्म की सत्ता को उन्होंने रख लिया और अपने पैर को कुल्हाड़ी मार ली। वो चाहते तो ऐसा ना करते, कोई दिक्कत नहीं थी, वो चाहते तो लोकतांत्रिक सत्ता को स्वीकार कर सकते थे, या वो ये कहते कि हमारा व्यक्ति मंदिर का पुजारी भी हुए, तो डेल्फी का जो वर्चस्व था वो खत्म हो जाता है। अब सच मायने में देखा जाए तो डेल्फी तो एक बहाना था, क्योंकि डेल्फी तो कहीं से आके बताती नहीं थी कि भाई ये लोग सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, बताता तो पुजारी था, जो कि आज भी कहीं कहीं आप देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा हिस्सा है धर्म जो सत्ता के लिए पावरफुल रहता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शक्ति का साधन एक नहीं तीन है, संपत्ति, सामाजिक स्तर और धर्म। लेकिन एक चीज और बताते हैं यहाँ पर, ये तीनों चीजें जो है एक ही समय प्रभावी हो सकती है, अलग अलग समय पर प्रभावी हो सकती है, अलग अलग समाज पे किसी अलग अलग समय पर भी प्रभावी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि तीनों एक ही साथ काम करें। कभी धर्म प्रभावी हो सकता है, सत्ता पर पहुंचने के लिए धर्म बहुत बड़ा कारक बन सकता है। आज के दौर में आप देख ही सकते हैं, कहीं कहीं भी जहाँ पर भी आप सोचे समझ सकते हैं कि धर्म कहाँ कहाँ प्रभावी है, धर्म के कारण कौन पावर में आ रहा है, कौन पावर से जा रहा है। धर्म बहुत बड़ा कारक हो सकता है। कहीं कहीं पर आप देखें पूरी दुनिया में जब देखेंगे एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे वहाँ सामाजिक स्तर बहुत बड़ा कारक बन गया है। ये किसी समाज को पावर तक पहुँचाने के लिए सामाजिक स्तर बड़ा कारक बना है, या कहीं कहीं पर संपत्ति पावर तक पहुँचाने के लिए, सत्ता तक पहुँचने का कारक बना है। तो ये किसी भी समाज में, किसी भी देश में अलग अलग तरीके से ये प्रभावी हो सकता है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। फिर बाबा साहब अम्बेडकर इनके सर्वहारा वर्ग की क्रांति करने पर विचार करते हैं और बताते हैं कि भाई आप ये बताइए, जो हमारा देश है यहाँ पर बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग ढंग के लोग हैं। अब उनमें सब में तो गरीबी है, जब सभी में गरीबी है तो ये बताइए कि जो क्रांति करनी है, क्रांति करने के लिए चाहिए आपको गरीब आदमी, सर्वहारा वर्ग का चाहिए, क्या सारे के सारे सर्वहारा वर्ग के लोग क्रांति करने के लिए एक मंच पर इकट्ठे हो जाएंगे? अच्छा, जब तक कोई इकट्ठे नहीं होगी तो क्रांति होगी नहीं, और जब क्रांति ही नहीं होगी तो आप सत्ता पर आएंगे कैसे? जब सत्ता पर ही नहीं आएंगे तो आर्थिक सुधार कैसे करेंगे? आप ये सारी संपत्ति बराबर बराबर कैसे बांटेंगे? तो फिर सत्ता पर पहुंचने के लिए तो आपको क्रांति करनी पड़ेगी, और क्रांति करने के लिए चाहिए आपको सर्वहारा वर्ग, माने सारे गरीब लोग। अच्छा, ये बताइए कि जो ये गरीब लोग हैं, ये इनमें क्या एक ही समस्या है, सिर्फ गरीबी? अब ये बताइए कि गरीबी यदि एक समस्या है तो फिर मंच पर आ जाना चाहिए, लेकिन वो तभी मंच पर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि गरीबी ही एकमात्र इनकी एक समस्या नहीं है, इनके पास और भी समस्याएं हैं, इसलिए वो इकट्ठे आना मुश्किल है। लेकिन हाँ, लेकिन इस बात को लेकर के भी वो इकट्ठे हो सकते हैं। कैसे? यदि उनमें भाईचारा तीन चीजें पैदा कर दी जाए, नंबर एक भाईचारा, नंबर दो बराबरी, और नंबर तीन न्याय। यदि ये तीनों चीजों की भावना उनमें पैदा कर दी जाए तो वो इकट्ठे हो सकते हैं, क्रांति के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन एक चीज और है कि संपत्ति के लिए लोग लड़ेंगे तब जब उन्हें पूरा विश्वास हो जाएगा कि क्रांति के बाद जब सत्ता मिल जाएगी तो हमारे ऊपर जाति भेद नस्ल के नाम पर कोई भेद नहीं किया जाएगा, क्रांति सफल होने के बाद हमारे साथ न्याय किया जाएगा। ये न्याय की भावना वो उन्हें तैयार भी कर सकती है और उससे अलग भी कर सकती है, क्योंकि वो बाद में भी चाहेंगे कि क्रांति के बाद हमारे साथ वो व्यवहार हो जो हमसे वादा किया गया है। तो इस तरह से क्रांति होना मुश्किल है, क्योंकि देश में अनेक समस्याएं हैं। यदि सिर्फ गरीबी ही एक समस्या होती तो पॉसिबल था, लेकिन गरीबी एक समस्या नहीं, सारे गरीब, ब्राह्मण गरीब, क्षत्रिय गरीब, वैश्य भी गरीब, इसके बाद शूद्र भी गरीब। अब यदि चारों गरीबों को लाया जाए कि भाई धोबी, अहिरगढ़िया, तेली, तमोली, ये सब चमार, कोरी, ये जितने भी हैं गरीब, और फिर इसके बाद कुछ गरीब ऐसे ब्राह्मण भी होंगे, कुछ ऐसे गरीब होंगे जो क्षत्रिय भी होंगे, कुछ बनिया भी गरीब हो सकते हैं। अब ये सारे गरीब
इकट्ठे कर किए जाए भाई तुम्हें फाइट करना, लड़ाई लड़ना है, क्या हो सकता है? बहुत मुश्किल है बाबा साहब बोले, ये सब बहुत नामुमकिन जैसा है। फिर बाबा साहब कहते चलो मान लेते हैं आप लोगों ने इकट्ठे कर लिए, कैसे भाषण देके, कोई लालच देके, किसी भी कारण से मान भी लेते हैं, चलो क्रांति हो गई, सभी लोग आ गए, लड़ाई हो गई, क्रांति हो गई। अच्छा आप सत्ता पर भी पहुंच गए, पावर में आ गए, सारा सिंहासन आपको मिल गया, राज आप करने लगे, सर्वहारा वर्ग का शासन हो गया, चलिए मान लेते हैं। अच्छा क्या आपको जब कुर्सी पर बैठेंगे सिंहासन पर तो क्या आपको कोई और समस्या सामने नहीं आएंगी? जैसी कुर्सी पर बैठेंगे वैसे क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा, आपको राजनीतिक समस्या नहीं साफ फेस नहीं करना पड़ेगा क्या? आपको क्या आपको सामाजिक समस्याओं को नहीं देखना पड़ेगा? ऐसा क्या है जो आपको बिल्कुल करना ही नहीं पड़ेगा? जादू की जैसी छड़ी होगी और ऐसे आप घुमाएंगे और सारा काम करिश्माई तरीके से हो जाएगा, ऐसा मुश्किल है, आपको वो सब करना ही पड़ेगा। एक चीज और बताते हैं कि उन्हीं के लिए समाजवादियों के लिए यदि स्वतंत्रता का मतलब ये है उस प्रभुत्व के विनाश करने से है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर कायम रखता है। यदि ये बात है स्वतंत्रता का जो मतलब है कि उस प्रभुत्व को विनाश करने से है जो कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर कायम करना करता है, तो फिर यहाँ पर अन्य चीजों का तो मतलब ही खत्म हो जाता है कि कोई व्यक्ति जो यहाँ पर ये बताते हैं ना एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन या बदसलूकी बंद कर दे तो हम एक मुक्त समाज की स्थापना कर सकते हैं, क्रांति के माध्यम से सिंहासन पहुंच सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर साहब कहते हैं स्वतंत्रता का मतलब ये है, तो फिर यहाँ सब ये बंद हो जाता है। और आप एक सवाल का सिर्फ उत्तर दीजिए, क्या समाज में यही बदसलूकी और दमन की जो व्यवस्था है क्या ये सामाजिक है या नहीं है, या समाज की यह अव्यवस्थाओं का अंग है या नहीं? यदि आप इतनी बात को स्वीकार कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल सही दिशा पता चल जाएगी कि हमें इस देश में किस दिशा में काम करना है। यदि दमन और बदसलूकी समाज का हिस्सा है तो कैसे, और यदि वो समाज का हिस्सा नहीं है तो जाहिर सी बात है वो एक आतंकित कार्य है, तो उसे बंद करने का काम करना चाहिए, ना कि पहले सिंहासन पाने का। इस तरह की बात बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि यदि इसमें हमें एक चीज और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में क्या राइटिंग एंड स्पीच में जो बाबा साहब अम्बेडकर जितना भी स्पीच दी है अपने जीवन भर में और जो भी कुछ लिटरेचर उन्होंने लिखा है, उस लिटरेचर को पढ़ने के बाद समझना बहुत जरूरी होता है कि मात्र इस चीज से हम क्या जानना चाहते हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि भाई बहुत सारे लोग एम्प्लाइज हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन तक लिटरेचर नहीं पहुंच पा रहा है। अब वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कभी कभी पढ़ने के बाद नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरा उद्देश्य है कि मैं ये सारा लिटरेचर अपनी लाइफ में जितना हो सकता है मैं लोगों तक पहुंचाऊं। अब एक चीज और है, मैं किसी के ना तो मैं आलोचना करता हूँ इसलिए नहीं करता कि बाबा साहब ये पूरी स्पीच में आलोचना नहीं की, आलोचना अपने आप हो जाती है। तीसरी चीज ये है कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर बिना किसी आलोचना को किए बिना एग्रेसिव हुए अपनी बात को कहते हैं, जो ये तरीका हमको मिलता है बाबा साहब के लिटरेचर से वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को देख करके हम उसी समय देख लेते हैं हम इससे क्या सीख पा रहे हैं। पहली चीज़ तो ये सीख पा रहे हैं कि समाजवादियों ने समाज का नेतृत्व तो सही ढंग से नहीं किया, मतलब भारत के पूरे समाज का नेतृत्व तो वो सही में नहीं करते थे। यदि करते होते तो क्या करते? बाबा साहब अम्बेडकर 1936 में दिशा दे रहे हैं कि भाईचारा, बराबरी और न्याय, इन्हें अपने मोमेंट में इन तीनों चीजों में से शामिल कर लेने से क्या नुकसान होने वाला था? उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? जब बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि आप किसी भी दिशा से कहीं पर भी किसी मुकाम पर जाए कैसे भी जाए, लेकिन रास्ते में आपको जो सबसे बड़ा अवरोध आने वाला है वो जाति का आने वाला है, जाति व्यवस्था का आने वाला है, जाति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन्हें क्या जाति से होने वाली समस्याओं को अपने उद्देश्यों में नहीं शामिल करना चाहिए, करना चाहिए था ना, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आखिर जितनी चीज़ें बाबा साहब अम्बेडकर ने बताई कि ये इन चीज़ों को आपको
फेस करना पड़ेगा। आप यदि क्रांति भी करना चाहते तो वो हो नहीं सकती जब तक आप भाईचारा, न्याय, बराबरी की भावना नहीं पैदा कर देते। तो क्रांति से पहले तो भावना पैदा करनी पड़ेगी ना, वो भी इन्होंने नहीं किया। तो इस तरह से हम समझते हैं कि जो भ्रम ये पैदा कर रहे थे, इसका मतलब तो होता है भ्रम पैदा कर रहे थे, वो भ्रम ही लोगों को गलत दिशा में ले गया। लोग दूसरे लोग भी अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़े होंगे। जो लोगों ने कुछ लीडरशिप में सीखा होगा, लीड करने के लिए आगे आए होंगे, वो समाजवादी के साथ मिल गए होंगे कि हाँ ऐसे भी हमारे समाज का उद्धार हो सकता है, और वो दिशा भ्रमित होकर के वो अपने समाज से आइसोलेट हो गए होंगे और बाद में पछता रहे होंगे, काश हम इनके साथ ना आते, उससे समाज में कुछ भी भला कर भी सकते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं कर पाए। इसी तरह से इन्होंने नुकसान किया है, फायदा तो कुछ नहीं हुआ। दूसरी चीज और देख सकते हैं कि ये समाजवाद में जो समाजवादी लोग थे, एक जातिवाद की बात मैं नहीं करता, लेकिन जानना बहुत जरूरी हो जाता है ये कौन लोग थे जो इस तरह का भ्रमित सामाजिक न्याय करना चाहते थे। इस तरह से यदि हम उस समय की जो प्रासंगिकता को जानना बहुत जरूरी है कि ये कितना प्रासंगिक था और इनके जो कार्यकलाप थे बाद में कितना चेंज आए और आज के दौर में उन्होंने क्या चेंजमेंट किया। यदि उस समय से अब 1936 से पहले काम करने का तरीका इनका क्या था, अब 1936 में बाबा साहब अपना स्पीच बोल देते हैं, बाबा साहब स्पीच लाहौर में नहीं बता पाते, लेकिन वो पब्लिश तो करते हैं, जब पब्लिश करते हैं तो लोगों तक जरूर पहुंचा होगा। अच्छा, पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ सीखा क्या? जब नहीं सीखा गया तो सीखने के बाद चेंज भी करना चाहिए। अब चेंज नहीं किया, इसका मतलब वो कहे लकीर के फकीर जैसे कह देते हैं कि वो एकदम उसी दिशा में चलना चाहते थे जैसा उनको किसी ने बता दिया हो, वो डायरेक्शन दे दिया हो, आपको सिर्फ ऐसे काम करना। इसका मतलब तो ये भी हो जाता है कि समाजवादी लोग अपने दिशा निर्देशन पर काम नहीं कर रहे थे, ये संगठन भी कहीं और से ऑपरेट हो रहा था, ऐसा सोचा जा सकता है। फिर 1936 से अब तक का क्या समाजवादी में कोई चेंजमेंट आया है, वो संगठन किस नाम से काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये चीजें जानना हमको बहुत जरूरी है। अब समाजवादी को जानने के लिए आप कहीं और मत सोचना शुरू कर दीजिएगा, आप ये सोचिएगा जिस तरह की इनकी आइडियोलॉजी समाजवादी की, यही आइडियोलॉजी किसकी है, आप पता चल जाएगा समाजवादी वही है। थैंक यू, जय भीम, नमो बुद्धाय।